नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषयों के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्णय लिया है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए 47 शिक्षकों को गृह कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया है। इन सभी शिक्षकों से 1 अक्टूबर तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर मंगाया गया है। वहीं 10 अक्टूबर को सभी शिक्षकों की बैठक JCERT में होगी, जिसमें मॉडल प्रश्न पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर JCERT ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी विषयों के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दिए हैं। जैक द्वारा शीघ्र ही मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसका असर पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जो उड़ीसा से होकर छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा, जिसका असर दुर्गा पूजा में देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर से बारिश शुरू होगी और 3 से 5 अक्टूबर तक राज्य भर में भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक ने पूजा पंडालों को भी वाटर प्रूफ पूजा पंडाल बनाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने 3 और 4 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए खुशखबरी, 25 लाख को KCC देकर ब्याज चुकाएगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। यही कारण है कि राज्य में 15 सितंबर 2022 तक 19,18,511 KCC धारक हो गए हैं। सितंबर 2021 से बाद 5,34,331 नए KCC को स्वीकृति दी गई है। ज्ञात हो कि KCC के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें सेठ साहूकारों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही है। वर्तमान सरकार के प्रयास से कृषि ऋण में लगातार सुधार हो रहा है। यही वजह है कि राज्य गठन के बाद से दिसंबर 2019 तक मात्र 409 करोड़ रुपये किसानों के बीच वितरित किए गए, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृति दी गई है। KCC के तहत जून 2021 में 420 करोड़, अगस्त 2021 में 581 करोड़, अक्टूबर 2021 में 685 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आदिवासी कुर्मी में भिड़ंत, जातीय संघर्ष कारण क्षेत्र बना झारखंड। आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी संगठनों ने पिछले दिनों झारखंड समेत बंगाल और उड़ीसा में रेल रोको आंदोलन चलाया था। इसकी जोरदार प्रक्रिया आदिवासी संगठनों में है। कुर्मी संगठनों द्वारा आदिवासी का दर्जा देने की मांग का हर स्तर पर विरोध करने का निर्णय किया गया है। अगर यह आगे बढ़ता है तो आदिवासी और कुर्मी संगठनों में टकराव हो सकता है। मंगलवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मोराबादी मैदान में कुर्मी संगठनों की मांग के खिलाफ एक दिवसीय उपवास एवं धरना कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में चेतावनी भी दी है। राज्यपाल का झारखंड के विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर नियुक्ति व रोस्टर क्लियरेंस का निर्देश। झारखंड के राज्यपाल सह झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस ने राजभवन में विश्वविद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने एवं रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे उच्च शिक्षा के विकास के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थिति में सुधार लाने को लेकर सभी को समर्पित भाव से कार्य करने के लिए कहा। राज्यपाल ने कहा है कि उच्च शिक्षा के विकास के लिए कार्यप्रणाली में गति लाने की आवश्यकता है। कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक है। झारखंड में 3000 सरकारी शिक्षकों की बहाली महिलाओं के लिए मौका। झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर खुले 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में फिलहाल शिक्षिकाओं की नियुक्ति अनुबंध पर ही होगी। स्थानीय नियुक्ति नहीं होने से विद्यालयों में बाधित हो रहे पठन पाठन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है। साथ ही इनके लिए 2 विकल्प दिए गए हैं, या तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली प्रशासी पदवर्ग समिति या फिर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेकर नियुक्ति की कार्रवाई की जाए।
बता दें झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। स्थापना के साथ ही प्रत्येक विद्यालय में शिक्षिकाओं के लिए 13-13 तथा शिक्षकेतर कर्मियों के 12-12 पद सृजित किए गए थे। JSSC ने कहा दूसरी एजेंसी लेगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दूसरी एजेंसी लेगी। आयोग ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा इस परीक्षा में आयोजन को लेकर पूर्व प्राधिकृत एजेंसी को इस परीक्षा के अलावा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आयोजन संबंधी सभी कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। दरअसल इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा था कि आयोग द्वारा उसी एजेंसी के माध्यम से दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जिसके द्वारा 3 जुलाई को परीक्षा संपन्न कराई गई थी। बता दें कि परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा दोबारा 23 अक्टूबर से 7 नवम्बर तक विभिन्न तिथियों को होगी। परीक्षा CBT मोड़ में रांची जमशेदपुर धनबाद तथा हजारीबाग के निर्धारित केंद्रों पर होगी। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 25 सितंबर को संपन्न ANM GNM BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के मॉडल उत्तर जारी कर दिए हैं। इसी के साथ परिषद ने परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से मॉडल उत्तर पर 30 सितंबर शाम 5 बजे तक आपत्तियाँ मांगी है। आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम मॉडल उत्तर के आधार पर परिणाम का प्रकाशन किया जाएगा। राशन की कालाबाजारी को लेकर SDO कार्यालय का घेराव। पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए सैकड़ों राशन कार्डधारियों ने मंगलवार को राशन चोरी और प्रशासनिक उदासीनता के विरोध सदर अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया और पूरी तरह से घेर कर रखा था। धरना का आयोजन पश्चिमी सिंहभूम खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच की ओर से किया गया था। धरनों में सदर, टोटो, खुटपानी, तातनगर, चक्रधरपुर, सोनुआ, हॉट गम्हरिया, कुमार डोंगी, मनोहरपुर समेत अन्य प्रखंडों से ग्रामीण भाग लिए। कौन खाए गरीबों का राशन, डीलर या प्रशासन जन, राशन चोरों को जेल करो, गोदामों में सड़े अनाज, फिर भी बच्चे भूखे आदि का नारा लगा रहे थे। धरने में विभिन्न गांवों से आए लोगों ने आक्रोश के साथ अपनी समस्याएं सुनाई। दुमका किशोरी हत्याकांड में शाहरुख व नईम पर आरोप गठित। दुमका की किशोरी को पेट्रोल डालकर जिंदा मौत के हाथ में सौंपने वाले आरोपी शाहरुख हुसैन व नईम खान पर मंगलवार को अदालत ने आरोप गठित कर दिया है। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद दोनों आरोपितों को उन पर लगे आरोप के बारे में बताया। अब यह केस गुवाही पर चलेगा। हत्याकांड में कुल 25 गवाह बनाए गए हैं। दोपहर बाद प्रथम पक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद की अदालत में केस से जुड़ी सुनवाई हुई है। नगर थाना प्रभारी नीतीश कुमार की मौजूदगी में अदालत ने जेल में बंद दोनों आरोपित से संवाद किया और बताया कि दोनों के खिलाफ हत्या, पोक्सो एक्ट के अलावा कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। धनबाद में 2 करोड़ की पंडाल, 3 करोड़ से अधिक होंगे खर्च। धनबाद कोयलांचल में दुर्गोत्सव की तैयारी युद्ध स्तर पर है। पूजा पंडालों में अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। कोरोना महामारी के बाद इस बार पूजा पंडालों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि इस बार पूजा कमेटी की ओर से एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। अनुमान के मुताबिक इस बार शहर भर में करीब 2 करोड़ रुपये पूजा पंडालों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पूजा के खर्च में विद्युत साज सज्जा, पूजा खर्च, ढाक ढोल, प्रसाद वितरण, साउंड सिस्टम, विसर्जन आदि के अन्य खर्च पर शहर के पूजा कमेटी करीब 3 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। दिल्ली के किसान आंदोलन में शामिल थे माओवादी। भाकपा माओवादी संगठन पीपुलर्स वार ग्रुप और MCC के विलय का 18वां साल मन रहा है। 21 से 27 सितंबर तक चलने वाले भाकपा माओवादी स्थापना सप्ताह के दौरान भाकपा माओवादी की केंद्रीय कमेटी ने 22 पृष्ठ का संदेश जारी किया है। इससे यह खुलासा हुआ है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हुए आंदोलन में भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हुए थे। भाकपा माओवादियों ने कृषि कानूनों की वापसी को अपनी सफलता बताने की भी कोशिश की है। वहीं भाकपा माओवादी ने आने वाले दिनों में केरल से लेकर उड़ीसा में चल रहे कई आंदोलनों के समर्थन की बात अपने संदेश में कही है। झारखंड हॉकी की 42 सदस्यीय टीम गुजरात रवाना। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में झारखंड से कुल 17 टीमों में 265 एथलीट एवं ऑफिशियल भाग ले रहे हैं।
जिसमें हॉकी झारखंड की महिला और पुरुष हॉकी टीम में 36 खिलाड़ी एवं 6 ऑफिशियल भाग ले रहे हैं। मंगलवार को झारखंड की 42 से ही महिला एवं पुरुष हॉकी टीम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजकोट गुजरात रवाना हुई। धन्यवाद।